उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली है। आपातकालीन नंबर 112 के व्हाट्सएप पर यह धमकी दी गई। व्हाट्सएप की इस धमकी भरे मैसेज में सीएम को एक विशेष समुदाय के लिए खतरा बताया गया है। फिलहाल धमकी देने वाले की पहचान नहीं हो पाई है और ये धमकी भरा मैसेज मिलने के बाद लखनऊ के गोमती नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया और फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। यूपी पुलिस के आपातकालीन नंबर पर यह धमकी मिली योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की। फिलहाल पूरी जांच पड़ताल इस पूरे मामले की जा रही है। और अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता अमरीश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देखिए अमरीश, सीएम को ऐसी धमकी मिलना बहुत बड़ी बात हो जाती है, हालांकि पुलिस का जो नंबर है वहां पर यह धमकी मिली है। क्या अपडेट इस बारे में और मिल पा रही है, क्या पता लगाया जा रहा है, कोई सूचना मिली? जी, अभी तक की जो अपडेट है मनीषा वो ये है कि यूपी 112 पर एक फोन आता है रात, और उस पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम भी है, उनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है और जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। और उस मैसेज के थ्रू पुलिस जब पता लगाती है तो उस व्यक्ति के बारे में जो भी जांच अभी तक आई है, पुलिस ने जो भी जांच दी है उस पर एक मुकदमा दर्ज किया गया है, एफआईआर लॉन्च कर दी गई है। लेकिन अभी फिलहाल किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की सूचना नहीं आई है। हालांकि एक बार काफी समय पहले भी मुख्यमंत्री को एक खत के जरिए ही धमकी मिल चुकी है, तो पुलिस इस बार काफी तफ्तीश के बाद ही कोई निर्णय पर पहुंचेगी। लेकिन जहां तक है इस प्रकार की घटना, इस प्रकार की एक सीएम को धमकी मिलना वाकई एक बड़ी घटना है, जिसके बारे में जल्द से जल्द पुलिस आला अधिकारियों का कहना है कि हम निर्णय पर पहुंचेंगे और गिरफ्तारी होगी। बिल्कुल अमरीश, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। यूपी पुलिस के आपातकालीन नंबर पर यह धमकी मिली और पूरे मामले की जांच पड़ताल फिलहाल जारी है। यूपी के लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली।